is at 5:57 p.m. नहीं, सबसे पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों ने, ऑफिस बेयरर्स ने वहाँ पर जो बात रखी है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, मैं उससे एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम टीम ऑफ लॉयर्स का जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा, मुस्लिम साइड की तरफ से जनाब राजीव धवन साहब का, ख़ास तौर से सैयद शकील साहब का, एमआर शमशाद साहब का, फुजैल अयूबी साहब का, हमारे नाफडे साहब का, मीनाक्षी मैडम का और तमाम जिन का नाम मैं नहीं लिया, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सिंसियरली मेहनत की और मुस्लिम साइड के केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है, सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात, मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन यह है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट, फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहाँ पर रहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेरा जो क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो क़ानून के ख़िलाफ़ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फ़ैसला आता बताइए आप, फैसला क्या आता नहीं मालूम मुझे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या? सुनिए सुनिए, और 5 एकड़ ज़मीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है, हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबनी है, मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वह 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की, हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पर निकल के भीख मांगूँ लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फ़ैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे, मेरी ज़ाती राय यह है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है, ये किसने कहा था? ये जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है, संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से
इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूँ जिनको हिंदुस्तान पर नाज है और फ़ख्र है, यकीनन आपको मुझसे नफ़रत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं उस मुल्क में, और ये हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको, और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहाँ पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बड़ा गैरमामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सर, आपने ही कहा था कि पहले कि कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आपको मान्य होगा, तो फिर आज आप बात क्यों चेंज कर रहे हैं? मुझे क्या राइट नहीं है ये कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाज़त नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है, और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहाँ पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूँ संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे, मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहाँ पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने जाती घर का सौदा कर सकता हूँ मगर मैं मस्जिद की ज़मीन का कोई सौदा नहीं कर सकता, और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ हैं। पांच एकड़ की लैंड के बारे में आप कह रहे थे सर, धार्मिक सौहार्द भाईचारे के लिए अगर इस तरह का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उससे पहले क्या 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 ये फैसला क्या इन्हें नहीं सुनिए, क्या ये फैसला भाईचारगी के लिए आया है? इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्ट बहुत सी चीज़ों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारगी के खिलाफ हैं? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डेमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है, गो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उस एक्ट का जिक्र किया है, एक्ट का जिक्र किया है, मगर आपको मैं बता रहा हूँ ये संगी लोग क्या बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मस्जिद है, वो ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद ने, मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर